मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं लाया हूं आपके लिए बहुत बेहतरीन सी वीडियो। पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि लेवल बाटली का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। आप देख सकते हैं लेवल बॉटल है, आप इसे जानते हैं लेवल बॉटल को, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं इस वीडियो में कि लेवल बॉटल जब आप परचेस खरीदे तो किस तरीके से परचेस करें, यानी जब हम हार्डवेयर वगैरह से इसको खरीदते हैं तो हम इसे किस तरह से चेक करें, ये हम आपको बताना चाहते हैं। और इसका इस्तेमाल कैसे होगा ये भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है दोनों लाइन बनी हुई है लेवल बॉटल के, और जो है एक पानी का ये छोटा सा जो है पानी का ये गुब्बारा बना हुआ है, ये जो है सेंटर अपने को जाहिर करता है। तो हम जब भी हार्डवेयर से इसको खरीदते हैं तो पहले देख लेते हैं दोनों तरफ में ये किस तरफ से, क्योंकि उनका टेबल अगर स्ट्रेट है तो हमको सेंटर में बताएगा, अगर उनका वहाँ जो टेबल रखा है वो स्ट्रेट नहीं है तो आपको ये बताएगा। हम आपको दिखाते हैं हल्का सा जो है राइट साइड में हमारा पानी का फवारा जा रहा है, मतलब जो पानी का गुब्बारा है वो राइट साइड में हल्का सा है, तो हम इसे घुमा के चेक करते हैं कि फिर अगर वो उसी तरफ आता है यानी कि हमारा लेवल बॉटल सही है। अगर मोमेंट चेंज होता है हम जिस तरह से उसको चेक करते हैं तो यानी कि हमारे लेवल बॉटल में प्रॉब्लम है। तो हम जो है जब भी परचेस करेंगे लेवल बॉटल को तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि वो किस तरह से हमको दिख रहा है, कि अगर सेम टू सेम हमको घुमाने फिराने से सेम टू सेम वही मोमेंट आ रहा है यानी हमारा लेवल बॉटल बिल्कुल सही है, तो ये जो है हेलोजेंटल और वर्टिकल दोनों शेप का हमको काम करने में मदद करता है। आप देख सकते हैं हम इसे जितनी भी बार घुमा के देखते हैं तो ये जो है हल्का सा राइट साइड में यानी कि ओके है, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म थोड़ा सा स्लोप में है, क्योंकि एक किचन टेबल है एक, तो ये लेफ्ट साइड में थोड़ा सा स्लोप है, इसलिए इसको हम आपको बता रहे हैं कि चेक किस तरह से कर रहे हैं। और ये जो है साइड में भी एक लेवल बॉटल दिया गया जो साइड के लिए जो भी होता है हमारा बोर्ड वगैरह वर्टिकल देखने के लिए हमको काम आता है, तो हम आपको इसको टाइल्स के साथ बताएंगे चेक करके कि हमारा लेवल बॉटल कितना स्ट्रेट काम दिखा रहा है आपको। तो आप देख सकते हैं कि साइड में टाइल्स के ऊपर लगाने पे भी जो है एकदम सेंटर इसका बराबर है, यानी कि जो है हमारा लेवल बॉटल एकदम परफेक्ट है, क्योंकि इसी तरह से काम होता है किसी भी चीज़ का लेवल बॉटल के ज़रिए, तो हमारे काम में ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो हम स्विच बोर्ड वगैरह भी लगाते हैं तो हम लेवल बॉटल से ही लगाते हैं, और हम इसको आपको बताएंगे इस्तेमाल करके ट्यूबलाइट इससे फिट करेंगे, आपको हम बताएंगे लेवल बॉटल से कि ट्यूबलाइट किस तरह से फिट करें। तो पहले हम ट्यूबलाइट को जो है एडेप्टर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें इसे होल्डर में लगाना है, तो हम जो है ट्यूबलाइट का जो वायर है उसे एडेप्टर में पहले जोड़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि लेवल बॉटल से हम इसे किस तरह से वॉल में फिट करेंगे। तो पहले हम जो है इस एडेप्टर का जो कवर है उसे निकाल के हम इस वायर में एंट्री कर देते हैं, उसके बाद जो है हम वायर को प्रॉपर छील के मूवमेंट करके मोड़ देते हैं हल्का सा। हम ज़्यादातर जो इसे ऐसे टर्न शेप में मोड़ते हैं ताकि जो स्क्रू होते हैं प्रॉपर हमारे टाइट हो जाते हैं। अगर सिंगल वायर को आप जोड़ते हो तो स्क्रू में थोड़ा सा लूज रह जाता है क्योंकि स्ट्रेट होता है, और ये जो है थोड़ा सा ग्रिप ज़्यादा बन जाता है फोल्ड करने के बाद। तो हम जो है इसको एडेप्टर में पहला टर्मिनल टाइट कर देंगे, एक वायर अटैच करके हमने पहला टर्मिनल इसका टाइट कर लिया। सेम इसी तरीके से प्रॉपर हम जो है दूसरे टर्मिनल में भी अपना ये दूसरा वायर लगा लेंगे। तो हम जो है इसे भी प्रॉपर टेस्टर की मदद से टाइट कर लेते हैं तो हमारा जो है दूसरा टर्मिनल भी फिट हो जाएगा। तो हम एडेप्टर को जो है पहले इसे कनेक्ट कर लिए ट्यूबलाइट के अंदर, हमारा एडेप्टर लगने के बाद जो है हम इसका कवर भी अटैच कर देंगे। आप देख सकते हैं एडेप्टर का कवर हम इसे प्रॉपर टाइट कर लेंगे, ये हमने एडेप्टर का कवर टाइट कर लिया। अब हमको बताएंगे कि हम जहाँ ट्यूबलाइट लगानी है तो हम उसे ट्यूबलाइट को पहले सेट करेंगे, सेट करने के बाद हम उसे लेवल बॉटल से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर हम ट्यूबलाइट को फिट करेंगे, तो हम जो ट्यूबलाइट को पहले रख लेते हैं, हमारा जो एडेप्टर है वो लगने के लिए हमको स्पेस चाहिए उतना हम अटैच कर लेंगे कि हाँ हमें यहाँ सेट करना है, और फिर हम लेवल बॉटल को नीचे की तरफ रख के लेवल बॉटल से हम चेक कर ले रहे हैं ट्यूबलाइट्स का स्ट्रेट कि हाँ लेवल है या नहीं है। तो हमने जो है ट्यूबलाइट को मिला लिया और अब हमारी ट्यूबलाइट जो है लेवल बॉटल के हिसाब से एकदम स्ट्रेट है। तो हम जो है ट्यूबलाइट्स के ऊपर हिस्से में निशान लगाएंगे, आपको ट्यूबलाइट के सेंटर में निशान लगाने की ज़रूरत नहीं क्योंकि क्लिप सेंटर में लगेगा, लेकिन इस तरह से जब आप ऊपर लगाते हो थोड़ा सा तो आपका सिर्फ ट्यूबलाइट जो है आधा इंच ऊपर आ जाएगा, लेकिन आपका निशान लगाने में आसानी होगी क्योंकि आप जो है एकदम स्ट्रेट ट्यूबलाइट के ऊपर आप निशान लगा रहे हो, आपको उसका ट्यूबलाइट का सेंटर नहीं देखना है, क्योंकि आप सेंटर के उसमें जाओगे कि सेंटर में हम लगाए तो आपको ट्यूबलाइट को थोड़ा सा फिर नीचे करना पड़े या मूवमेंट देना पड़े, लेकिन हमने जो है ट्यूबलाइट के ऊपर ही उसे मार्क कर लिया। अब यहाँ ड्रिलिंग कर लेंगे, ड्रिलिंग करने के बाद जो है आसानी से ड्रिलिंग हम पॉइंट टू पॉइंट कर लेंगे। तो हमारे ड्रिलिंग होने के बाद जो राहुल ग्रिप पैकेट है यानी कि जो है जो कंपनी प्रोवाइड करती है पैकेट्स, उसके अंदर पीवीसी ग्रिप होता है जिसे राहुल प्लग कहते हैं, और जो है हम उसे
उस होल में एंट्री करके स्क्रू को और क्लिप को प्रॉपर टाइट कर लेंगे। जो ट्यूबलेट क्लिप है वो हम इसे प्रॉपर स्क्रू ड्राइवर से आसानी से टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद जो है हमारी ट्यूबलेट की फिटिंग इसी क्लिप पर हो जाएगी। तो ये जो है क्लिप पे आप आसानी से प्रेस करके इस ट्यूबलेट को फिट कर सकते हो। बहुत आसान तरीका है, लेकिन जो है हम आपको बता रहे थे कि लेवल बैटरी का इस्तेमाल किस तरह से होता है और कहाँ कहाँ होता है। तो हम जो है एडेप्टर को पहले होल्डर में लगाने के बाद जो है ट्यूबलेट की क्लिप के अंदर ट्यूबलेट को फंसा लेंगे। फंसाने के बाद जो है हम वायर को प्रॉपर ट्रेसिंग कर देंगे। थोड़ा वायर डिस्टर्ब कर रहा है तो हम जो है इसे थोड़ा सा घुमा के लगा लेंगे। आपको जिस तरह से आसानी लगे आप उस तरह से इसको वायर को ट्रेसिंग कर सकते हैं। वायर को ट्रेसिंग करना थोड़ा अच्छा लगता है किसी भी चीज़ में, कि ऐसा नहीं कि वायर जो है बिखरा हुआ दिखे तो कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए हम प्रॉपर उसे मोल्ड कर देते हैं वायर को कहीं पर भी। ये हमारी ट्यूबलेट फिट हो गई। मेरी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।